अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार उसका यह था कि अपन ऐसा कर सकते नहीं सर, अगर उद्देश्य कलावा का भी आप सर कलावा का भी नहीं सर, ठीक है सिर्फ काय प्रिंसिपल सर आ रहा है आपने पहले मेहनत किया था, आपने आज लगाया, 2016 में भी आपके स्कूल में यही हुआ था, उस समय भी मैडम आपको बात करना भी बैठ के बड़े स्तर पे कार्यक्रम होता है, छुट्टी लगती है, अपन ये करते हैं तो भारत माता की हमारे स्कूल में तस्वीर होना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे हम भारत में रहते हैं, भारत में काम करते हैं, प्रेरणा मिलती है क्योंकि माता के फोटो से प्रेरणा बच्चों को मिलती है कि यार हम भारत में रहते हैं, ठीक है, वो कोई अमेरिका तो पढ़ने जा नहीं रहा बच्चा, फिर पाकिस्तान में रह रहे हैं, रहते भारत में है ना सभी लोग, अपन के अलग से कोई कुछ बात करने के लिए करते हैं विषय, तो यही है कि अगर इस बार तो ठीक ही है, पिछली बार आपको पता है बहुत अच्छे से कि एबीवीपी ने फिर भैया किस विषय पर आए थे अभी भाई साहब, अभी कल परसों की बात है, यहाँ पे जो हिंदू धर्म के बच्चों को तिलक लगाने से कलावा बांधने से मना किया गया था, उस विषय पर हम आज यहाँ आए थे। अभी देखा जा सकता है कि अपने भारत के सभी स्कूलों में, अधिकतम स्कूलों में भारत माता की सरस्वती माता की तस्वीर होना चाहिए, क्योंकि सरस्वती माता जो अपनी है वो शिक्षा की देवी है, तो उनका फोटो हर स्कूल में होना चाहिए, इस विषय पर हम आए थे। ऐसा ना होने के कारण एक अराजकता का माहौल बनता है और गलत शिक्षा जाती है विद्यार्थियों को, इस कारण से भाई साहब आए थे। आपने चित्र भेंट किए यहाँ प्रिंसिपल? हमने यहाँ पे प्रिंसिपल को भारत माता की और सरस्वती माता की चित्र भेंट किए और उनसे अनुरोध किया है कि सर्वधर्म समाज को लेकर चले। राष्ट्रीय ध्वज भी नहीं है यहाँ? राष्ट्रीय ध्वज भी नहीं, उसकी भी बात करी हमने, उन्होंने हमें बोला है कि आने वाले टाइम में हम अच्छा तिलक लगाने वाली बात पर क्या आश्वासन दिया आपको, जो लड़कों को मना किया गया था कि तिलक लगा के नहीं आएंगे? उनका ये बोलना है प्रिंसिपल सर का कि हमने बड़ा तिलक लगाने को आने को मना किया था, परंतु बच्चे ने जो हमें बात बताई थी वो उन्होंने एकदम नकारात्मक कर दिया था कि तिलक लगा के आना ही नहीं है, उस विषय पर हम आज यहाँ पे आए। ठीक है, आपका नाम बताइए? मेरा नाम अमन चौहान, नगर मंत्री देवास।